श्री राधे एक झलक श्रृंगार की। तो हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। ये श्रृंगार मैं आपको जन्माष्टमी का दिखा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला इसलिए वीडियो लेट हो गई। और देखिए जी, अब मैंने ड्रेस बना ली, इतना सुंदर सी ब्लाउज था, ड्रेस थी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद आ जाए श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। और ये देखिए सुंदर सा चोकर में मैचिंग करता हुआ श्री जी को पहना रही हूँ। बहुत सुंदर सी श्री जी लग रही हैं। और मेरे गले पे मत जाना, ये आए दिन ऐसे ही रहता है, परेशान हो जाती हूँ। बट क्या करें, वीडियो तो आपको देनी है ना, इतने दिन दिन पहले की भी डिलीट हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर पास से मेरी श्री जी लग रही हैं, दूर से भी लगती रही, पास से हम लोग के आई सेट ज़्यादा हुआ ना तो पास से ज़्यादा अच्छा सा लगता है, मतलब फोकस हो जाता है ना चेहरे पे, तो अलग ही दिखती है। और हंसी मजाक तो करती रहती हूँ, वो तो आपको पता ही है। तो देखिए अब मैं इनको ये प्यारे सी इयर रिंग पहनाऊँगी। और मंगलसूत्र तो पहन लिया श्री जी ने, देखिए जी। और फटाफट से श्री जी रेडी हो जाएंगे। अब चूड़ा पहनाऊँगी सुंदर सा, ये देखो वाओ चूड़ा है, वाओ। तो कंट्रास्ट मैच हो रहा था चूड़े का, अभी तो मैंने सोचा पहना दूँ। और अभी जन्माष्टमी की कन्हैया की भी, मतलब बिहारी जी की भी रखी है वीडियो श्रृंगार की, तो वो भी डालूँगी, लेकिन एकादशी की पहले कथा की डालेंगे, ठीक है, जो मैं सुबह सुबह डाल दूँगी, अपलोड कर देती हूँ। तो मैंने ये दो चोटी थी इसको मैंने आगे कर दिया है, ये दो चोटी मिल जाती है मार्केट से। अब ऊपर से जो मैं बाल है वो अलग से लगाऊँगी। तो मैं बहुत ईजी वे में सोचती हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा ईजी वे में हेयर स्टाइल बताती रहूँ, क्योंकि ज़्यादा तो हो नहीं पाता जब कभी श्रृंगार होता है, जब भी कर पाती हूँ मैं। स्पेशली वीडियो नहीं बनाती कि भाई श्री जी को, एक श्री जी मेरे ना चरण कमल बहुत ढीले तो हिलती रहती हैं, तो वो भी डर लगता है, इसलिए पीछे तकिया रख रखा है। तो देखिए मैंने वो सिंपल बाल लगाए थे, और साइड हमेशा आपको पता है मुझे साइड का ही बाल अच्छे लगते हैं, तो मैंने साइड से एक लेयर लेके ऊपर तक ले गई। और देखो कितनी सुंदर श्री जी लग रही है ना, बहुत प्यारी श्री राधे। तो बिहारी जी के लिए तो राधा रानी को तैयार होना ही होना होता है ना। तो अब ये, अब इनके हम गाल लाल करेंगे, लाली लगाएंगे, ये देखिए। और मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बन जाए, और जब बन जाती है तो फिर मैं भूल जाती हूँ कई बार डालना, क्योंकि और वीडियो आ जाती है। सब लगातार त्यौहार आ गए थे तो सब इतनी नीचे नीचे वीडियो हो गई हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कब की वीडियो। और पीछे हमेशा भजन चल रहे होते हैं, और फिर मैं आपको बाद में अपने तरीके से बताती हूँ वॉइस ओवर करके। क्या करें, बताना पड़ता है ऐसे। अब कितने दिन हो गए बताओ। तो देखिए बिंदी लगा दी है प्यारी सी रेड कलर की, वाओ वाली, वाओ वाली बिंदी है ना। रेड तो वैसे भी बहुत सूट करती है। तो देखिए माला भी बना दी फूलों वाली, टीका भी लगा दिया, और ये चंद्रिका आप समझ सकते हो इसको, फूलों की। तो जब मेरी श्री जी शुरू में आई थी, तो किसी ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया था, तो उनसे ज्वेलरी बनवाई थी मैंने, अब तो इतना नहीं याद रहता। तो ये देखिए बहुत सुंदर सी, और वीडियो अपलोड है, सब चीज़ की अपलोड है। बेटे ने नंबर नहीं डलवाया था ये भी पता है मुझे। और बस अब नथ लगा दूँगी मैं। अब नथ कैसे लगाते हैं, नथ भाई चिपकन आती है जो वैक्स वाली होती है, मोम वाली या फिर ब्लू टैग, आप उसे थोड़ी सी लेके नाक पे रख के और चिपका सकते हो, या फिर ये नथ पे रख के, ठीक है जी। तो लगभग मेरी श्री जी रेडी हो गई हैं, अब हाथ में मैं मोरपंख पकड़ाऊँगी। और ये पास से लुक देखो, वाह किसी छोनी लगती है मेरी श्री जी। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट बताएंगे हमारी श्री जी कैसी लग रही हैं। वैसे तो कमेंटों की सच्ची बताऊँ ना, श्री जी के आगे कोई वो नहीं रहती ज़रूरत, लेकिन फिर भी अपने को खुशी होती है कि हम कुछ श्री जी को, हमने भी श्रृंगार कैसा करा है और श्री जी ने कैसा करवाया, तो उसके लिए कमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें भी वो मिलता है, अरे हमने भी कुछ अच्छा करा, श्री जी की सेवा करने का मौका भाई किस्मत से ही मिलता है। तो इसलिए कमेंट बोलते हैं कि कमेंट करो, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा हेयर स्टाइल, कैसा लगा श्रृंगार, सबसे बड़ी बात हमारी श्री जी कैसी लगी। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बस,
और दुपट्टा मैंने इस तरह से टक करा, क्योंकि ये नीचे बैठ के मैं श्रृंगार करती हूँ और ये मैंने लटकन लगा दी है। ये भी उन्होंने ही बना के भेजी थी, जब जिन्होंने ये पूरी फ्लावर ज्वेलरी आप बोल सकते हो या फिर कपड़े की ज्वेलरी बनाई थी। और जब मैं ऊपर बिठा दूँगी जैसे मंदिर में, तब अलग सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम उठाते तो कई चीज़ें तो वैसे ही गिर जाती हिल जाती है। तो लीजिए जी, हो गया है श्रृंगार फाइनल लुक। तो इस तरह से रेडी हुई हमारी श्री जी। तो अब पास से दर्शन एक बार और हो जाए। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, लाडली जी महाराज की जय। तो जय श्री राधे। सब्सक्राइब करना ना भूलना।